आज मैं आपको एक बहुत एडवांस टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि इनफर्टिलिटी में और IVF में हमारी हेल्प करता है टू इंक्रीज द सक्सेस रेट। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट। आई एम डायरेक्टर ऑफ द टच क्लिनिक, विच इज़ एन एडवांस्ड IVF एंड गाइनी सेंटर इन बेस्टेक बिजनेस टावर मोहाली। IVF के बारे में मैंने आपको एक और वीडियो में बताया ही हुआ है कि IVF प्रोसेस जो होता है उसमें आपके एग्स जो हैं वो आपकी बॉडी से निकालते हैं अंडर एनेस्थीजिया, और आपके पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करके उनको फिर जब एम्ब्रियो बन जाते हैं तो आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जब एम्ब्रियो भी बन रहा है और सब कुछ ठीक है और एम्ब्रियो सुंदर है, फिर भी हमारा IVF फेलियर क्यों हो जाता है एट टाइम्स? बिकॉज वी नो दैट IVF इज़ नॉट 100% सक्सेसफुल। सो हम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। वन इज़ PGS, जिसमें हम एम्ब्रियो की बायोप्सी कर लेते हैं और एबनॉर्मल, जेनेटिकली एबनॉर्मल एम्ब्रियोज़ को हटा देते हैं और जो अच्छे यूप्लॉइड एम्ब्रियोज़ हैं उन्हीं को आपके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। वैसे ही एक और टेक्निक अब आ गई है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन दी एम्ब्रियो। इसमें क्या करते हैं, जो आपके एम्ब्रियो बना है उस एम्ब्रियो को day 5 तक लेके जाते हैं ब्लास्ट तक, और फिर उसको उसकी फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेके उसको एक सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं उस फोटोग्राफ को। तो उससे हमें वो सॉफ्टवेयर ये कैलकुलेट करके बता देता है कि इस एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, इसका सक्सेस रेट कितना होगा, वायबिलिटी कितनी होगी, और इसमें जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी के कितने चांसेस हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस टेक्निक। द टच क्लिनिक वॉज द फर्स्ट क्लिनिक इन नॉर्थ इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस टेक्निक ऑन साइट, और इससे एम्ब्रियो की पिक्चर्स लेकर ही हमें पता चल जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि PGS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से कौन सा चूज़ करें और किसका ज़्यादा फ़ायदा है। PGS इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, बट देन उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है वो है फाइनेंशियल कॉस्टिंग। सेकेंडली, इसमें कुछ लोगों को ये डर होता है कि भाई एम्ब्रियो की बायोप्सी होगी तो कहीं एम्ब्रियो ख़राब तो नहीं हो जाएगा। यूजुअली जिस टेक्निक से यहाँ पर किया जाता है और जिस तरह से स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको करते हैं, उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर फिर भी कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एम्ब्रियो की सिर्फ फोटोग्राफ ली जाती है और उसको प्रोसेस किया जाता है, तो उससे एम्ब्रियो का डैमेज होने के चांसेस भी नहीं है। दूसरा, इसके चार्जेस आर वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू PGS। गोल्ड स्टैंडर्ड PGS है, क्योंकि वो हमें एक्चुअली डायग्नोस करके बता देता है कि जो एम्ब्रियो है वो जेनेटिकली एबनॉर्मल है कि नहीं। पर अगर हम PGS नहीं करा सकते हैं तो नेक्स्ट थिंग विच वी कैन गो फॉर इज़ दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टच क्लिनिक में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यू कैन विजिट आर वेबसाइट और यू कैन विजिट आर अदर वीडियोज। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ वेरी successful outcome of pregnancy in the future. Thank you.